अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लैम्प ऑफ ब्राइटनेस चैनल में आप सबको मेरा सलाम है। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट किया हुआ है, तो मैंने एक पॉइंट आपको बताई थी कि माइक्रोसॉफ्ट सीखने से पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ओवरऑल जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ शॉर्टकट कीज़ के बारे में, ए टू जेड शॉर्टकट की, जो भी शॉर्टकट कीज इस्तेमाल होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस शॉर्टकट की का क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले हमारी फर्स्ट शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल प्लस ए है। कंट्रोल प्लस ए प्रेस करने से जो है, हम कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो होता है वो ओवरऑल सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट ऑल, यानी कि जितना भी टेक्स्ट है आपके डॉक्यूमेंट में वो ओवरऑल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी का जो फंक्शन होता है वो बोल्ड करता है टेक्स्ट को। आप जितना टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, मान ली मैंने ये लाइन जो है सिलेक्ट की, आप कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो होगा वो बोल्ड हो जाएगा, यानी कि आपके जो टेक्स्ट की साइज है वो थोड़ी इंक्रीज होगी और थिक होगी, यानी कि बोल्ड यानी कि डार्क कलर में अपीयर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी, यानी कि कॉपी। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल प्लस सी प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस सी प्रेस करने से जो है वो हमारा टेक्स्ट जो होता है वो कॉपी हो जाता है, यानी एक जगह से हम दूसरी जगह पर अगर कॉपी करना चाहते हैं, यानी मान ली मैंने ये कंट्रोल प्लस ए को, ठीक है, यहाँ पर मैंने कंट्रोल प्लस ए को जो है वो मैंने कॉपी किया कंट्रोल प्लस सी से, तो यहाँ पर मैं जो है वो उसको कंट्रोल प्लस बी जो होता है वो पेस्ट का होता है। यहाँ देखें मेरा टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो गया कंट्रोल प्लस सी प्रेस करने से। उसके बाद हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल प्लस डी है। कंट्रोल प्लस डी जो है वो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कैसे, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे आप, ये जो है हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो गया। डायलॉग बॉक्स में जो है वो हम ओवरऑल जो भी एडिटिंग करते हैं अपने टेक्स्ट पर वो अप्लाई हो जाती है, यहाँ से भी अप्लाई हो जाती है डायलॉग बॉक्स से भी, और यहाँ से भी हम एडिटिंग कर सकते हैं, पर हम शॉर्टकट कीज इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है वो हम अपने मतलब टेक्स्ट जो है उस पर शॉर्टकट की के ज़रिए जो है हम अपने टेक्स्ट पर ओवरऑल फॉर्मेटिंग कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट जो है कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की जो होती है वो, कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की के ज़रिए हम अलाइनमेंट जो होती है सेंटर अलाइनमेंट होती है, कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे आप, यहाँ पर आप कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगी कंट्रोल प्लस ई तो हमारा टेक्स्ट जो होगा वो सेंटर पर हो जाएगा, यानी कि सेंटर अलाइनमेंट होती है कंट्रोल प्लस ई प्रेस करने से। ठीक है, बेसिकली जो कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट होती है वो हम हेडिंग या फिर कोई भी टाइटल वगैरह से अप्लाई करते हैं कंट्रोल प्लस ई। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो हमारी फाइंड है। फाइंड शॉर्टकट की इसलिए इस्तेमाल होती है कि हम किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करें या किसी भी वर्ड को फाइंड करें या किसी भी लेटर को फाइंड करें, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो आपके सामने फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फाइंड डायलॉग बॉक्स, यहाँ से आप कोई भी जो है वो टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने ए वर्ड जो है, ए लेटर जो है, मैं मुझे उसको फाइंड करना है, ए यहाँ पर प्रेस करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे फाइंड, ये देखें यहाँ पर ए जो है सिलेक्ट हो गया, ए जहाँ पर भी होगा वो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा हमारे टेक्स्ट में, हमें जो फाइंड ए जो है वो हमें हाईलाइट हो जाएगा, ये देखें जहाँ पर भी ए इस्तेमाल किया हुआ है वो फाइंड हो रहा है। तो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी प्रेस करने से गो टू आता है। गो टू में अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट पर जाना है या फिर हमें किसी भी वर्ड पर अपना जाना है या फिर हमें किसी भी लाइन नंबर पर, यहाँ पर मेंशन होता है पेज होता है, उसके अलावा लाइन होती है, बुकमार्क होता है, कमेंट होती है, किसी पर भी आपको मूव करना है तो आप इस गो टू के ज़रिए जो है वो मूव कर सकते हैं, चाहे जितने भी आपके पेजेस हों डॉक्यूमेंट में, एक डॉक्यूमेंट में आपके चाहे जितने भी मतलब कि लिमिटेड पेजेस आपके हैं तो आप वहाँ से मूव कर सकते हैं। उसके बाद है फाइंड, गो टू और रिप्लेस में जो है वो एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, मगर फंक्शन जो होता है वो उनका डिफरेंट होता है। कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे तो वही आपके सामने जो है वो
वही आपके सामने डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन होगा, पर यहाँ पर सिलेक्शन होती है फाइंड रिप्लेस और गो टू। यहाँ पर देखिए हमारा रिप्लेस, हमने कंट्रोल प्लस एच प्रेस किया तो रिप्लेस वर्ड जो है वो हमारा रिप्लेस ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप आपको कोई भी वर्ड जो है रिप्लेस करना है, जैसे कि आप जैसे कि आप यहाँ पर फाइंड है तो यहाँ पर आप सर्च लिखें, फाइंड के अलावा जो है आपका इसका सिनोनिम ही कोई इस्तेमाल करें, सर्च लिखें तो ये भी जो है वो इसके हम ज़रिए रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड को हम रिप्लेस करेंगे किससे, सर्च से। ठीक है, यहाँ पर आप फाइंड लिखेंगे, ठीक है, फाइंड जहाँ पर फाइंड होगा वहाँ से जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस विथ सर्च। यहाँ पर देखिए अब हमारा जो है वो रिप्लेस वर्ड सर्च हो जाएगा, यहाँ से फाइन जो है वो रिमूव हो जाएगा, सर्च हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है कंट्रोल प्लस आई प्रेस करने से क्या होता है, हमारा टेक्स्ट जो होता है वो इटैलिक होता है, हमारा टेक्स्ट इटैलिक होता है, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट है वो, ये देखिए आप हम इस रिप्लेस को जो है सेलेक्ट करते हैं। याद रखें जो भी आप शॉर्टकट की इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पहले आपको सिलेक्ट करना है, अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी शॉर्टकट की जो है वो इस्तेमाल सही तरह से यूज़ नहीं और उसका यूज़ नहीं होगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे तो हमारा जो इटैलिक है देखिए इटैलिक हो गया, वर्ड जो है टोटली इटैलिक हो गया, यहाँ से इनसे जो है डिफरेंट लग रहा है। इटैलिक कंट्रोल प्लस आई प्रेस करने से हमारा शॉर्टकट की जो होती है वो इटैलिक होती है, टेक्स्ट इटैलिक होता है। उसके बाद है हमारी जस्टिफाई, जस्टिफाई अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस जे जो होती है वो जस्टिफाई अलाइनमेंट होती है, जस्टिफाई यहाँ से जो है वो जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस के जो होता है वो बेसिकली हाइपर लिंक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक करना है, कनेक्ट करना है तो हम कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक यानी कि हाइपर लिंक के ज़रिए कर सकते हैं। आप यहाँ से भी डायलॉग बुक्स के ज़रिए भी हम कर सकते हैं और हम जो है शॉर्टकट की के ज़रिए भी हम हाइपर लिंक का डायलॉग बुक्स जो है ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एल से जो होती है हमारी हमारी लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, यहाँ से देखें कंट्रोल प्लस इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस ई करते हैं, सेंटर अलाइनमेंट हो गई। अब आप इसको ही जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगी, कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल प्लस एम से जो होती है वो हमारी इंडेंट इंक्रीज होती है, कंट्रोल प्लस एम से इंडेंट इंक्रीज होती है, कंट्रोल प्लस एम प्रेस करने से आप कंट्रोल प्लस एम प्रेस करेंगे तो आपकी इंडेंट जो है वो इंक्रीज होगी। देखिए यहाँ से इस टेक्स्ट से जो है थोड़ा इंक्रीज हो गया। ठीक है, उसके बाद है हमारी कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन से जो है हमारा डॉक्यूमेंट जो होता है वो न्यू ओपन होता है, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे देखिए हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो न्यू ओपन हो गया बिल्कुल, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करने से। उसके बाद है हमारी ओपन, कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करने से जो है हमारा ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जैसे कि हमें कोई भी फाइल ओपन करना है, हमारा ऑलरेडी जो सेव हुआ हुआ डॉक्यूमेंट है उसको हम ओपन करना चाहते हैं, हम ऑफिस बटन से ओपन नहीं करना चाहते, हम शॉर्टकट की के ज़रिए ओपन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करने से हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो हम उसके ज़रिए भी ओपन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस पी है नेक्स्ट शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस पी प्रेस करने से हमारा डॉक्यूमेंट जो होता है वो प्रिंट होता है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यानी कि हमें डॉक्यूमेंट के कितने पेजेस हैं या पैराग्राफ्स वगैरह हैं या फिर अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर अवेलेबल है तो ऐसे आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स से अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं ईजिली बाई यूजिंग द कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट। उसके बाद हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस क्यू जो होता है वो बिफोर एड स्पेस करता है, यानी कि यहाँ से जो है अगर यहाँ पर देखें कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पर मैं शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो यहाँ से जो है वो स्पेस हो जाएगा, कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करने से हमारा स्पेस एड होगा। उसके बाद है हमारी कंट्रोल प्लस आर नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल प्लस आर है, कंट्रोल प्लस आर प्रेस करने से जो है हमारी राइट अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट, ये हमने पढ़ी, ये जो ओवरऑल होती है ये अलाइनमेंट होती है डॉक्यूमेंट की, एमएस वर्ड में टोटली जो होती है फोर अलाइनमेंट होती है। ठीक है, कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे
तो हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट साइड से आ जाएगा। देखिए राइट अलाइनमेंट है तो राइट साइड से जो हमारा टेक्स्ट अपीयर होगा। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ये अपना डॉक्यूमेंट सेव करूँ तो कंट्रोल प्लस एस प्रेस करने से जो होता है वो हमारा जो है वो डॉक्यूमेंट सेव होता है। ये ऑलरेडी सेव है तो ये इसलिए शॉर्टकट की जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रही। जो आप न्यू डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको सेव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस एस प्रेस करने से हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस टी जो होती है वो इंडेंट होती है, मतलब कि हैंगिंग इंडेंट इंक्रीज होती है। कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे आप तो हमारी हैंगिंग इंडेंट जो है वो इंक्रीज होगी। देखें जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको टेक्स्ट आपका सिलेक्ट नहीं हुआ होगा तो आपकी शॉर्टकट की जो है वो अप्लाई नहीं होगी। कंट्रोल प्लस यू है, कंट्रोल प्लस यू से जो है हमारी अंडरलाइन अप्लाई होती है। यानी मान लीजिए देखिए मैंने इन दोनों पर जो है वो अंडरलाइन अप्लाई करना चाहती हूँ, कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगी तो आपकी अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगी नीचे से कंट्रोल प्लस यू प्रेस करने से, ठीक है। कंट्रोल प्लस वी जो है वो पेस्ट की शॉर्टकट की है। जो भी आपने टेक्स्ट कॉपी किया है उसको पेस्ट करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर तो वो पेस्ट हो जाता है टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करने से जो है हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाता है, एमएस वर्ड का स्पेसिफिक एमएस वर्ड का क्लोज हो जाता है। जो भी आपने बनाया हुआ है आप उसको क्लोज करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट तो वो क्लोज हो जाएगा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करने से। और कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करने से हमारा जो टेक्स्ट है वो कट हो जाता है, यानी कि रिमूव हो जाता है। और कंट्रोल प्लस वाई रीडू है, कंट्रोल प्लस वाई जो है हम रीडू के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कंट्रोल प्लस इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल प्लस जेड है। अगर मान लें आप गलती से अपना टेक्स्ट जो है वो रिमूव कर देते हैं, उसकी ओवरऑल फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाती है, फिर से आपको टेक्स्ट बनाना नहीं पड़े तो आप चाहते हैं कि कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करें कि आपकी वो सारी जो है वो टेक्स्ट अप्लाई हो जाए डॉक्यूमेंट पर, तो वो कंट्रोल प्लस जेड के ज़रिए आप जितने टाइम भी लिमिटेड टाइम जो है वो अनलिमिटेड टाइम जो है वो डॉक्यूमेंट में आप कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करके अपनी टेक्स्ट वापस लेकर आ सकते हैं डॉक्यूमेंट में। सो व्यूवर्स आई होप्स यू लाइक इट वेरी मच। सो प्लीज़ डोंट फर्गेट टू वॉच शेयर एंड लाइक माई वीडियो एज वेल एज प्रेस ऑलवेज आइकन बटन और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो जो है वो आपको न्यू नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियो रखूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।